हेलो मेरे किचन मास्टर, आज मैं आप लोगों को घर की सामग्री से आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो चलिए बनाते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने चावल लिया है, इसे मैंने पहले ही धो करके और सुखा लिया है। अब इसे जार में डाल करके और बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए, ये मैंने बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना लिया है। अब इसे मैं एक गिलास दूध में 2 चम्मच चावल का आटा डाल करके और अच्छे से मिला लूंगी। बिल्कुल भी इसमें गांठ नहीं रहना चाहिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से मिलाएंगे। ये दूध मेरा पहले से गर्म किया हुआ था और इसे मैंने फिर ठंडा कर लिया था। तो आपको भी ऐसा ही दूध यूज करना है, कच्चा दूध यूज नहीं करना। और ये मैंने 2 गिलास दूध गर्म होने को रख दिया है। इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ और इसे 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। पांच मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं, अब मेरा दूध बॉयल हो गया है। अब इसमें मैं जो दूध और चावल का आटा मैंने घोल के रखा था उसको मैं डाल दूंगी। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना गांठ बन जाएगा और फिर आइसक्रीम अच्छा नहीं बनेगा। अब इसे इसी तरीके से 10 से 15 मिनट पकाएंगे। देखिए, अब ये मेरा पक चुका है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। आपको भी इतना ही रखना है, आप देख सकते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो गया है। अब इसे दूसरे बर्तन में रख के और इसे मैं फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के लिए रखने से ये और ज्यादा जम जाएगा और उसमें थोड़ा बर्फ का टुकड़ा भी आ जाएगा। अब इसे ढक के रख देते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो गए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसको फिर से जार में डाल करके और बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब इसमें बर्फ का टुकड़ा भी है। ऐसा करने से आइसक्रीम अच्छे से जमता है, इसलिए मैं दोबारा पीस रही हूँ। आप चाहे तो एक बार में भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार में जमाने से आइसक्रीम अच्छे से नहीं जमता है, इसलिए मैंने दोबारा पीसा इसे। अब देख सकते हैं, मैंने इसे पीस लिया है। अब आइसक्रीम मेकर में इसे डाल देते हैं। तो पहले मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। अच्छे से डाल लेंगे सबको। आपके पास आइसक्रीम मेकर नहीं हो तो आप ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। ये वाला ग्लास मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें से आइसक्रीम निकालने में आसानी होती है। सारे ग्लास को मैंने तैयार कर लिया। इसी तरीके से आपको इक्वल कर लेना है। अब मैं सब में ड्राई फ्रूट्स डाल करके और अब प्लास्टिक से इसे अच्छे से बांध देती हूँ। आपके घर में जो भी प्लास्टिक हो आप उसे कट करके यूज कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि खुला नहीं रहना चाहिए कहीं से भी, ये चारों तरफ से बिल्कुल बंधा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से आपको कैंची से इसमें छेद करना है, फिर प्लास्टिक को लगा करके रबड़ लगा देना है और जो आपने उसमें होल किया है उसमें आप ये स्टिक डाल देंगे। तो इसी तरीके से सारे ग्लास मेरे तैयार हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए, सेट हो गया है। अब मैं इसे पानी में रख दी कुछ देर के लिए। अब इसी तरीके से आप खोल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से मेरा आइसक्रीम निकल गया। अगर नहीं निकले तो आप ग्लास को काट करके भी निकाल सकती हैं। तो इसी तरीके से सारे आइसक्रीम को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा आइसक्रीम सेट हो गया है। कितना प्यारा दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे घर पे बनाकर जरूर खाइए। बच्चे अक्सर इस आइसक्रीम को बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू।